two solutions A and B, each of 100 liter was made by dissolving 4 gram of NaOH and 9.8 gram of H2SO4 in water. Now, दो सॉल्यूशन यहां पर बनाता हूं, दो बीकर लिए जिसमें वाटर था और आपने इसमें 4 ग्राम NaOH ऐड कर दिया और इस पूरे सॉल्यूशन को 100 लीटर का बना दिया। ये हो गया ए, है ना। और दूसरा आपने सॉल्यूशन लिया जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 लिया था, इस केस में एसिड है, वो भी H2 में मिलाया, इसको भी आपने 100 लीटर सॉल्यूशन बना दिया। तो इसको मान लेते बी, ए और बी वन, ठीक है गाइस। अब कहा है कि द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेंड फ्रॉम मिक्सिंग 40 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी इज। अब इन्होंने कहा कि अब जो ये सॉल्यूशन बना इसका तो आपने 40 लीटर सॉल्यूशन ले लिया और जो ये सॉल्यूशन बना इसका आपने 10 लीटर ले लिया, इन दोनों को मिक्स कर दें, जो इनको मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बना उसका पीएच बताना है, समझ में आपको। इसके लिए सबसे पहले आपको ए और बी का जो मोलरिटी बना है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो अब इधर क्या है, मोलरिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास या नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू 1/V, समझ रहे ना, एन अपॉन वी हो जाएगा। लीटर में ही दिया है तो मैंने डायरेक्ट वी लिख लिया इसको, अगर ml में होता तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते, तो इसमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो मास कितना है NaOH का, कितना गिवन है, 4 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होता है NaOH का, ये तो गाइज आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेट होते हैं ना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कैलकुलेट जब आप करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, है ना। और कितना वॉल्यूम बना दिया इसका, टोटल 100 लीटर, तो ये हो गया 10^-3, इसकी मोलरिटी होगी Ma की या NaOH की, NaOH लिख लेता हूं कंफ्यूजन हटाने के लिए। सिमिलरली जब इसकी आप लोगे मोलरिटी, वही मास अपॉन मोलिक्यूलर मास इनटू 1/V, मास कितना 9.8, H2SO4 का मोलिक्यूलर मास कितना होता है 98, ये भी निकाल लिए, आता ही होगा गाइस, है ना, इनटू 1/100, तो इसको जब निकालोगे इसको भी 10^-3 आ गया मोलैरिटी। अब इसका आपने 10 लीटर लिया 40 लीटर और इसका आपने 10 लीटर सॉल्यूशन लिया। आप देखिए रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन क्या होगी, NaOH और H2SO4 लिया, तो यहाँ पे Na2SO4 प्लस H2O कुछ ऐसे रिएक्शन हुई होगी, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। नाउ आपको एक चीज में बताता हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जनरली हम इस टाइप के क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट जो भी होता और कैलकुलेट करके माइनस जो फाइनल बनता हम निकाल सकते थे। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे H2SO4 है, अगर मैं यहाँ पे NaOH को HCl से करता तब क्या रिएक्शन बनती, यहाँ पे एक जो H2SO4 है वो दो HCl दे रहा है, यहाँ पे HCl सिर्फ एक HCl दे रहा है, तो इट इज बेटर कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो क्या हम रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन आपको दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है, मतलब समझ रहे, इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एसिडिटी या बेसिसिटी। H2SO4 में कितने आयंस दे रहा है, H2+2HN, तो एसिडिटी क्या होगी 2, बेसिसिटी NaOH में OH नेगेटिव 1 दे रहा है तो बेसिसिटी इसकी क्या होगी 1। तो अब मैं क्या कह दूं कि डायरेक्ट कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स भी डायरेक्ट बोल देता लेकिन अगर यहां पे सिर्फ HCl होता, समझ रहे ना, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इसका MV इनटू इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो इसका नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी 3 इनटू वॉल्यूम 40 हो गया इनटू जो बेसिसिटी है 1 हो गई, एक ही है, तो 40 × 10^-3 हो गया। सिमिलरली इसका 10^-3 मोलैरिटी, वॉल्यूम आपने 10 लीटर लिया और एसिडिटी क्या होगी 2 हो गया, तो यानी 20 × 10^-3 हो गया, समझ में आपको गाइस। अब अगर आप देखोगे इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है,
ये डिवाइड बाय 1, ये 40 इंटू माइनस 3, ये 20 इंटू डिवाइड बाय 1, 20, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो फाइनल रिएक्शन में ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, समझ रहे? तो इसका मतलब 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसमें तो ये बचा, ये जीरो हो गया, और यहाँ पे कुछ 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये एड हो गए होंगे, समझ रहे आप गाइस? आपको तो जो फाइनली आपको अब पीएच बतानी है सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले ओवरऑल मोलैरिटी या इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के कितने हो गए, इतने हो गए। सो गाइस नंबर ऑफ मोल्स जो OH इसके OH नेगेटिव के हैं या NaOH के कितने हो गए, 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, 40 माइनस 20। अब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा OH नेगेटिव का या मोलैरिटी, इनको वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा, 50 क्यों, 40 इसका प्लस 10 इसका, टोटल 50 हो जाएगा, ठीक। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 या 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो POH कितना हो जाएगा, लगभग 3.699 के अराउंड। pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3.699 के अराउंड, मतलब लगभग लगभग 10.6 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा pH। समझ में आपको गाइज आपको कि क्या किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए गाइज, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, पहले आपने इन दोनों की अलग अलग मोलरिटी निकाल ली, अब इसमें इन्होंने आपने क्या हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल के कैलकुलेशन आउट कर दिया, ये आपने देखा नंबर ऑफ OH नेगेटिव है फाइनल, ये बच गए। आपने कंसंट्रेशन निकालनी है तो 50 से डिवाइड करके pH निकाला, फिर pH निकाल दिया। यहाँ पे इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स में बस यही अंतर होता, अगर यहाँ HCl होता तो आपका सिर्फ नंबर ऑफ मोल से भी काम कर चल जाता, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 1 होता दोनों साइड, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। तो 10.6 अप्रोक्सीमेटली आपका करेक्ट आंसर हो गया।